दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय सरकारी कंपनी BSNL के खर्चों के बारे में। एक नई रिपोर्ट दोस्तों निकल गई जहां पे इनका एम्प्लॉय कॉस्ट और सारे एक्सपेंसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनका कर्ज, इनका दोस्तों बोलते हैं नुकसान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यहाँ पे इनका नुकसान 8,000 करोड़ से ज्यादा निकल के आया है। तो इस धरने से अगर BSNL चलता है तो क्या ये सर्वाइव कर सकेगा? लेकिन एक दूसरी चीज भी निकल के रही कि इन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट दोस्तों मार्जिन या बोले रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का जो टारगेट था उसको बीट करते नजर रहा है। कमाई भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, दोनों चीजें पैरेलल हो रही, कैसे हो रही है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स, भारत सरकार जो है BSNL को सरकारी बेटा है इसलिए अच्छा खासा पैसा देती है। पहले 70,000 करोड़ दिया रिवाइवल पैकेज में, फिर 2.5 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया, उसमें स्पेक्ट्रम ये वो इनके VRS पैकेजेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया। सरकार अच्छा खासा फुल पैसा यहाँ पे दे रही है। लेकिन सरकार का टारगेट है कि जो नुकसान वाला बेटा ना इसको हम प्रॉफिट में लेके आएंगे। आज एक अच्छी न्यूज़ और बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी बुरी न्यूज़ है BSNL के लिए। पहली अच्छी न्यूज़ यहाँ पे कि इनका प्रॉफिट रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सरकार के टारगेट से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के टारगेट और भी है कि इसको कमाऊ बेटा बनाएंगे, लेकिन नुकसान जो है दोस्तों ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पे देख सकते हैं BSNL लॉस वाइडेंस 8,161 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों इनका जो नुकसान है वो बढ़ चुका है, पहले से ज्यादा हुआ दोस्तों। यहां पे 8,161 करोड़ की बात चली है। इससे पहले दोस्तों बात की जा रही कि एक साल पहले हुआ करता था 6,982 करोड़, कहां 6,982 करोड़ और कहां 8,162 करोड़, ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ ये बढ़ा है। अब बातें की जा रही, तर्क दी जा रही है 1,200 करोड़ जो AGR के adjusted revenue, क्योंकि AGR का जो यहाँ पे देना पड़ता है ना, adjusted gross revenue देना पड़ता है इनकम पे टोटल, वो दोस्तों यहाँ पे बढ़ा है क्योंकि सरकार ने यहाँ पे प्रोविजन किया था AGR dues का 17,688 करोड़ दोस्तों। ये BSNL का 2023 का। इसके अंदर अगर बात कर ली जाए तो फंडिंग सरकार ने दी थी 16,189 करोड़, तो बाकी का जो पैसा है 1499 यानी 1500 करोड़ वो इसमें एडजस्ट यहाँ पे किया गया। इसके चक्कर में इनका दोस्तों जो लास्ट ईयर का जो नुकसान था इससे थोड़ा ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है 8,161 करोड़। बाकी नुकसान तो इनका सेम है अगले साल के जैसे। लेकिन हाँ, बात की जा रही है यहाँ पे BSNL के जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, ये 5.1% के हिसाब से बढ़े हैं, एक्सपेंस बढ़े हैं, खर्चे BSNL के बढ़ते जा रहे हैं 27,364 करोड़ हुआ। इसके अंदर बात करें यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट, लोगों को अपने कर्मचारियों को जो पैसा दिया जाता है एम्प्लॉय कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हुई 11% के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और ये 2023 में दोस्तों बढ़ के हो चुकी है 7,952 करोड़, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ तो ये सैलरी वैलरी में। बताया था ना कि सरकारी कंपनी इसका जो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पैसा तो एम्प्लॉयज की सैलरी में चलाता है, वैसा कुछ नजर निकल गया है। BSNL दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4G सर्विस बहुत जल्दी लॉन्च कर देगा। भारत सरकार ने दोस्तों ग्रीन सिग्नल दे दिया, TCS काम करने वाला, उसको परचेस ऑर्डर भी इशू कर दिया गया। सरकार ने अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे दिया है और बहुत जल्दी दोस्तों BSNL पूरे भारत के अंदर 4G और 5G लेके आएगा, जो पैरेलली चीजें यहाँ पे चल रही है। अगर बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू, एक चीज में दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू में कमाल करके दिखाया, जब सरकार का जो टारगेट था उससे 14% ज्यादा कमाई करके दिखाई रेवेन्यू यहाँ पे हुआ है 19,130 करोड़ दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और इससे पहले 2022 में हुआ करता था 16,811 करोड़, जो बढ़ के 19,130 करोड़ हुआ है। ये एक सराहनीय काम है BSNL के। लेकिन आप ये मत सोचना कि इसके मोबाइल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इनका 4G के बिना। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू दोस्तों यहां पे निकल के आता है, बता दूं ये निकल के आता है इनके BSNL के FTTS सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस से यहां पे कमाई होती है इनकी। FTTS सर्विस जो है दोस्तों वहां से पैसा मिलता है। अगर बात करें मोबाइल सर्विस की तो यहां का जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% निकल के आता है, और ये 7% का दोस्तों ग्रोथ नजर आया जहां पे 5,638 करोड़ निकल के, और FTTS सर्विस दोस्तों 30% का ग्रोथ लेके आया 2,071 करोड़ सिर्फ फाइबर से है, क्योंकि फाइबर ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी BSNL के यूजर उसके साथ इंटेक रहते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जियो रेटेल जैसी कंपनी यहां भी सेंधमारी कर देगी, लेकिन फिलहाल मोबाइल के अंदर जब तक 4G नहीं आता यूजर इसके साथ दोस्तों इंटेक नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे जियो रेटेल के अनलिमिटेड 5G की तरफ हमें जाते नजर आएंगे। तो सो बात की एक बात दोस्तों निकल गया थी कि BSNL का जो हेल्थ कार्ड निकल के आया इसके अंदर दोस्तों चिंता वाली चीजें तो फिलहाल थोड़ी थोड़ी तो है, क्योंकि यहां पे इनका नुकसान बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि AGR का दोस्तों ऑलमोस्ट 1500 करोड़ यहां पे मिला दिया इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि इनका प्रॉफिट रेवेन्यू दोस्तों यहां पे 14% ग्रो किया, और सरकार ने टारगेट भी बनाया 2023 का, तो सरकार ने टारगेट बनाया था वैसे 2024 2025 2026 तक के टारगेट सरकार के यहां पे, जिन टारगेट के बारे में बात करूं 2024 के अंदर सरकार का टारगेट है यहां पे 20,000 करोड़ लेके जाएंगे, 2025 में इसको लेके जाएंगे 24,500 करोड़, 2026 की अगर बात कर लीजिए तो ये जाएगा दोस्तों इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 28,476 करोड़
करोड़ का इनका टारगेट है कि इतना पैसा BHL कमा के देगा। सरकार का टारगेट इतना पैसा हम लगा रहे हैं 1.5 लाख करोड़, तो इन सालों के अंदर इतनी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। BSNL दोस्तों अपना 4G 5G लाने के बाद डेफिनेटली फिर से मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। ये थी दोस्तों रिपोर्ट हेल्थ कार्ड था BSNL का जो ठीक ठाक यहाँ पे लगा फिलहाल, लेकिन 4G 5G लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, कर्ज दोस्तों इनका कम होता नजर आएगा, नुकसान कम होता नजर आएगा। BSNL का रिस्ट्रक्चरिंग सरकार करी उसके बाद BSNL फिर से कमाऊ बेटा नजर आएगा। उस पथ पे फिलहाल BSNL निकल चुका है। मुझे बताइए क्या BSNL फिर से एक अच्छी कंपनी बन सकेगा? क्या BSNL जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सामने दोस्तों खड़ा हो पाएगा? नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जो देते हैं आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं तो दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाना चाहिए। जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज उस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, चेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।